फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरके निटिंग क्रिएशन। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा स्वेटर का ये डिजाइन लेके आई हूँ। ये स्वेटर हमारा 2 साल के बच्चे के लिए बनाया गया है। इसके बैक पार्ट में 75 फंदे डाले गए हैं और इसके फ्रंट पार्ट में 35 फंदे डाले गए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये 3 के मल्टीपल में फंदे लेके और 2 फंदे प्लस किए हैं। इसमें हमारा डिज़ाइन सही से एडजस्ट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये यहाँ पर हम अपने बटन पट्टी के फंदे रखेंगे, ऐसे ही उतारेंगे धागा, ऐसे पीछे करेंगे और ये 7 फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे। 3 4 5 6 7 7 फंदों ये बटन पट्टी के हैं। आगे से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा, फर्स्ट रो है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रो हमारी पूरी सीधी ही बनेगी, धागा पीछे ही रखेंगे। और इसको पूरी को सीधा बना के कंप्लीट करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। ये डिजाइन हमारा सीधी तरफ से ही बनना शुरू होता है। अब आए हम बैक साइड में सेकंड रो पे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस पूरी रो को उल्टा बनाते जाएंगे ऐसे, जहां तक हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं वहां तक हम इसको उल्टा बनाएंगे। ये फंदे हमारे हैं 2 4 6 7, ये बटन पट्टी के, तो धागा पीछे करेंगे, इनको सीधा बनाएंगे। बटन पट्टी वाले फंदे दोनों तरफ से हमारे सीधे ही बनते जाएंगे। जो लास्ट का फंदा है, धागा आगे करेंगे, इसको उल्टा बना देंगे ऐसे। फिर आएंगे हम, अब आ गए हम सीधी तरफ थर्ड रो पे, तो पहले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और जो ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं इनको हम सीधा ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब जो ये 1 फंदा है इसको भी हम सीधा बना लेंगे। अब जो ये 3 फंदे हैं इनमें हमने डिजाइन डालना है, तो जो तीसरा फंदा है इसके नीचे वाले होल से, यहाँ से फर्स्ट होल सेकंड होल, सेकंड होल में से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे लूप बनाएंगे और इसको इस नीडल पे ले आएंगे, और जो फर्स्ट फंदा था इसको और ये लूप को बैक साइड से सीधा बुन देंगे, ऐसे ऐसे बुनेंगे इसको, फिर से इन 2 फंदों को सीधा बुन देंगे। अब फिर से ये 2 3 फंदे हैं जो इस तीसरे फंदे के नीचे से सेकंड लूप में से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे होल में से, सेकंड होल में से ऐसे इसमें से लूप बनाएंगे, इस लूप को लूज रखेंगे और इस लेफ्ट नीडल पे डाल देंगे, और इस फर्स्ट फंदे को और लूप को एक साथ बुन देंगे, 2 का 1 सीधा फंदा ऐसे, फिर इन 2 फंदों को बनाएंगे। फिर से जो ये 3 फंदे हैं इस तीसरे फंदे के सेकंड होल में से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे इसको बना लेंगे, लूप बनाएंगे, इसको लूज रखेंगे और इस नीडल पे डाल लेंगे, और इसको बैक साइड से दोनों को सीधा बुन देंगे, फर्स्ट फंदे को और लूप को ऐसे, फिर इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। अब फिर ये 3 फंदे हैं जो इन तीसरे फंदे के सेकंड होल में से सिलाई डाल लेंगे और इसमें से एक लूप ऐसे बना लेंगे, इसको इस नीडल पे लेंगे और फर्स्ट फंदे को और लूप को एक साथ
बुन देंगे ऐसे, फिर से इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे। अब फिर जो ये तीन फंदे हैं, जो इन तीन फंदों को लेंगे, तीसरे फंदे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे सेकंड होल में से, और ऐसे इसको बुन देंगे, एक लूप बनाएंगे, लूज रखेंगे, और इस फर्स्ट फंदे को और लूप को एक साथ पीछे की साइड से बुन देंगे। अब फिर ये दो फंदे हैं जो इनको बनाएंगे। अब फिर जो आगे के तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों के नीचे से लूप सेकंड में से लेंगे और एक लूप बना लेंगे ऐसे, और यहाँ पे डाल लेंगे और दो का एक बना देंगे ऐसे, फिर से इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे। अब फिर जो ये तीसरा फंदा है, इसके सेकंड होल में से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ से लूप बनाएंगे और इस निडल पे ले आएंगे फर्स्ट फंदे को और इस लूप को ऐसे दो का एक कर देंगे, फिर इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे। अब जो ये लास्ट का फंदा है, इसको भी सीधा बना देंगे, ये हमारा एच स्टिच है। अब आएंगे हम बैक साइड पे, बैक साइड पे अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे इसको उल्टा बनाते जाएंगे, सभी फंदे हमारे उल्टे बनते जाएंगे। इस पूरे डिजाइन में बैक साइड से हमारी सभी सिलाइयां उल्टी बनेंगी, सिर्फ जो बटन पट्टी के फंदे हैं वे हमारे सीधे बनेंगे। ये फंदा जो डिजाइन से पहले हमने सीधा बनाया था वो फंदा है, ये आगे के हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बना देंगे। अब आएंगे हम सीधी तरफ, अब फिर सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को ऐसे, ये हमारी फोर्थ रो बन के कंप्लीट हुई, एक बार डिजाइन हमारा ये बन के आ गया। अब दोबारा से इसको फिर स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट फंदा ऐसे ही उतारेंगे और जो ये बटन पट्टी के फंदे हैं छह फंदे, इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है, ये एक फंदा पहले हम सीधा डिजाइन से पहले बनाएंगे। अब फिर ये तीन फंदे हैं जो तीसरे फंदे के सेकंड होल में से सिलाई डालेंगे, नहीं पहले पूरी सिलाई को सीधी बनाएंगे, ये हमारी दोबारा से यहाँ से जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही फिर स्टार्ट हो गया, ये पूरी सिलाई हमारी सीधी बनती जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, वैसे फोर रोज का पैटर्न है, सिर्फ एक सिलाई में ही बन के जाता है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा बनने के बाद, और बनाना बहुत ही आसान है। इस पूरी रो को हम सीधा बनाएंगे। ये हमारी सीधी तरफ से पूरी रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम बैक साइड में, बैक साइड में ये हमारे डिजाइन की फिर से सेकंड रो है, इसको धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको उल्टा बनाएंगे, जहां तक हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं वहां तक हम इसको उल्टा बनाते जाएंगे। अब ये फंदे हमारे चार और तीन साथ, ये फंदे हैं बटन पट्टी के, इनको हम सीधा बनाएंगे, छह फंदे हम सीधे बनाएंगे बटन पट्टी वाले। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट फंदे को फिर उल्टा बना देंगे यहां से। अब आएंगे हम सीधी तरफ, सीधी तरफ फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और ये छह फंदे बटन पट्टी के सीधे बनाएंगे, एक दो तीन
चार पाँच छः, ये यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होता, तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और फिर जो ये तीन फंदे हैं इनमें हमने डिजाइन डालना, जो तीसरा फंदा है इसके सेकंड होल में सिलाई डाल लेंगे और एक लूप ऐसे बना लेंगे। इसको इस निडल पे लेंगे और फर्स्ट फंदे को और लूप को एक साथ बुन देंगे सीधा ऐसे, फिर से इन दो फंदों को बनाएंगे। अब फिर ये तीन फंदे हैं जो तीसरे फंदे के सेकंड होल में से एक ये इससे नीचे वाले से डाल लेंगे सिलाई और ऐसे लूप बना लेंगे। इसको इसी निडल पे लेंगे और फर्स्ट फंदे को और इस लूप को इकट्ठा सीधा बुन देंगे ऐसे, फिर से इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे। फिर से ये तीन फंदे हैं जो इसके सेकंड होल में से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे लूप बना लेंगे, लूप को लूज रखेंगे और फर्स्ट फंदे के साथ इसको सीधा बैक साइड से सीधा बुन देंगे। अब फिर ये दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर से ये तीन फंदे हैं जो तीसरे फंदे के सेकंड होल में से सिलाई डाल लेंगे और लूप बना लेंगे, इस लूप को लूज रखेंगे और फर्स्ट फंदे के साथ इसको ऐसे बुन देंगे, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बना देंगे। अब फिर से ये जो तीन फंदे हैं तीसरे फंदे के सेकंड होल में से सिलाई डाल लेंगे और इस लूप को ऐसे लूज रखेंगे और इसको फर्स्ट फंदे के साथ बैक साइड से बना देंगे। अब इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे। अब फिर ये तीन फंदे हैं जो तीसरे फंदे के सेकंड होल में से फिर से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे लूप बना लेंगे, फिर से इसका दो का एक कर देंगे फर्स्ट फंदे के साथ, फिर दो फंदे सीधे। अब फिर ये तीन फंदे हैं जो तीसरे फंदे के सेकंड होल में से डाल लेंगे और एक लूप बना लेंगे ऐसे, इसको डाल लेंगे नीडल पे और फर्स्ट फंदे के साथ इसको दो का एक बना देंगे, फिर ये दो फंदे सीधे, ये एच स्टिच है इसको भी सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमारा ये डिजाइन डलता जाएगा, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। जब भी फ्रेंड्स आप बनाओ बच्चे का या बड़े का, तो पहले हमने बटन पट्टी वाली साइड बनाएंगे हम, राइट पल्ला, इस पे हमारे बटन डलते जाएंगे, पहले इसको बना के फिर इस दूसरे पल्ले को बनाएंगे। तो अब हमारी ये थर्ड रो थी, फोर्थ रो पूरी उल्टी बनेगी। इन्हीं फोर फोर रो को आप रिपीट करते हुए जाइएगा और बहुत प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा, इसी डिजाइन को आप डालिएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।